नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्नूप बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ अशुभ देवड़ी। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, मगर क्या आपको ये मालूम है इसी दिल की दुर्दशा खुद इसकी सड़कें बयां करती है। जी हाँ, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, जो कि विश्व की एक उभरती मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, शर्मनाक बात यह है कि वहाँ की सड़कों की हालत कुछ ठीक नहीं। ट्रैफिक जाम्स और खराब सड़कों का संबंध बिल्कुल सीधा है। इस तरह के रोड की वजह से गाड़ियों की स्पीड कम करनी पड़ती है और इसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। गैस पाइपलाइन हो या सीवर लाइन, हर किस्म की लाइन बिछाने के लिए दिल्ली की सड़कों को खोदना पड़ता है और उसके बाद उन सड़कों को ठीक नहीं किया जाता, जिस वजह से एक्सीडेंट की संभावना तो रहती ही है, साथ ही धूल के द्वारा होने वाले प्रदूषण भी बढ़ जाते हैं। दिल्ली के स्मॉल स्केल वर्कर्स को भी अपने काम में कई समस्या का सामना करना पड़ता है। आपके लिए ऐसी ही एक सड़क का जायज़ा स्नूप बॉक्स ने किया है और हमने वहाँ क्या पाया, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट दिल्ली के सड़कों को तोड़ देते हैं, लेकिन शायद उसको ठीक करना भूल जाते हैं और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। और अब जब मानसून का वक्त आ गया है तो दिल्ली की सड़कें पानी से भर जाती हैं और यही टूटी हुई सड़कें हादसों का कारण बनती है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, ये जो गड्ढे हैं वो यहाँ कब से हैं? ये हो गए जी 2 महीने हो गए गड्ढे हुए। और ये पाइपलाइन के लिए खोदे गए थे, गैस की पाइपलाइन के लिए, और अभी तक भरे नहीं गए। तो इन गड्ढों की वजह से आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? लोग बाग यहाँ पे कई बार दुर्घटना हो जाती है, कई गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, कई बंदे गिर गए यहाँ पे, यही परेशानी है। कई बार कंप्लेंट करी है कि वो अभी तक मिट्टी नहीं उठी है यहाँ से। सर, ये गड्ढे यहाँ पे कब से हैं? 2 महीने से है जी, 2-2.5 महीने हो गए इस गड्ढा हुए हुए, इसकी भर भी गए, ये फिर भी मिट्टी छोड़ रखी है। और इन गड्ढों की वजह से आपको किन समस्याओं का सामना करना? मिट्टी उड़ती है, हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, अंदर जाती है, कई बार तो आधे आधे घंटे में बार बार झाड़ू निकालनी पड़ती है। और यहाँ पे ये गड्ढे क्यों खोदे गए थे? ये कोई पाइपलाइन डालने के लिए। पाइपलाइन? हाँ। सर, यहाँ पे ये गड्ढे कब से खोदे गए? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। और इन गड्ढों की वजह से आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी करना पड़ता है, ये हवा चलती है तो गर्द उड़ती है, एक पेट में जाती है, अच्छा नहीं लगता, कोई भी आता है खड़ा नहीं हो पाता है, सब आगे बढ़ जाता है। और इन गड्ढों को किस काम से के लिए खोदा गया था? ये गैस पाइप की लाइन बोला, गैस पाइप के लिए। सर, यहाँ पे ये गड्ढे कब से हैं? ये 2-3 महीने से है। और इन गड्ढों की वजह से आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप जो देख रहे हैं, मैं जो मास्क पहन रहा हूँ क्योंकि डस्ट उठ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वो ट्रैफिक से डस्ट उठ रहा है, हमको पूरा मतलब ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होगा, कोल्ड कफ, इसलिए हम तो। और ये गड्ढे यहाँ क्यों खोदे गए थे? ये गैस पाइपलाइन करने के लिए खोदे हुए थे बोल रहे थे। दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में दिल्ली की सड़कें, ये कह पाना मुश्किल है। दिल्ली की सड़कें बनके तैयार नहीं होती कि उसको तोड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है, कभी गैस पाइपलाइन, कभी पानी की पाइपों के लिए, तो कभी सीवर पाइपलाइन के लिए दिल्ली की सड़कों को तोड़ा जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से दिल्ली की जनता इस खुदी हुई सड़कों की समस्या से जूझ रही है। उनका कहना है कि इससे डस्ट स्टॉर्म आने की संभावना तो रहती ही है, साथ ही साथ एक्सीडेंट्स होने का खतरा भी बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसे साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को छूना ना भूलिएगा। धन्यवाद।